अंजाम दे रहे थे, कितने लोग पकड़े गए और क्या है? ये एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो SOG रायबरेली और सलोन पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। इसमें कुल 11 सदस्य हैं और ये विभिन्न तरह के क्राइम जैसे कि लूट, चोरी और इवन की डकैती भी कर लेते थे, और ये सभी के सभी इसमें प्रतापगढ़ लालगंज अजारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा पिछले विगत कई महीनों में सलोन क्षेत्र में लूट, चोरी और क्या कहते हैं डकैती की योजना बनाते समय तमाम तरह की वारदातें इनके द्वारा की गई हैं। और आज इस गैंग को मुखबिर खास के जरिए से पता चला, तो हमारी SOG टीम और सलोन पुलिस की टीम ने इनको जो पुरानी वेस्पा फैक्ट्री है यहाँ सलोन क्षेत्र में वहाँ से पकड़ा। इसमें कुल 11 सदस्य हैं और इसमें बॉबी और मूसा जो लालगंज अजारा प्रतापगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं ये इसके मुखिया हैं। और इनके पास से कुल 4 तवंचे और 18 कारतूस और करीब 5,000 रुपये, एक गुप्ती, लोहे की रॉड और एक चोरी की मोटरसाइकिल जो पिछले महीने यहाँ चोरी हुई थी सलोन क्षेत्र से, इसके अलावा एक स्कॉर्पियो जिसमें भर के बैठ के ये लूट करते थे, उनके साथ इनको गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि जब इनको ऊपर जब इनको गिरफ्तार करने की बात हुई थी, जब इनके ऊपर SOG और सलोन पुलिस ने घेरा डाला, तो उनके द्वारा इस पर फायर भी किया गया, जिसको हमारी पुलिस द्वारा आपका छाप फायर करके अपने आप को बचाते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। और एक बहुत अच्छा ये ग्रुप वर्क है, बहुत बड़ा गैंग है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करता है और इसे पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें 10,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक इसमें बॉडी नाम का बदमाश है जो इसका सरगना है, ये सलोन क्षेत्र से वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम। सर इनकी योजना क्या थी, क्या करना चाहते थे? इनकी दो बातें जो पूछताछ में मुख्य रूप से निकल के आई, ये बेसिकली डकैती की योजना बना रहे थे, साथ ही इनको किसी एक मंदिर में छुपे हुए गुप्त धन की जानकारी थी जिसको वो जाके वहाँ से निकालने के फिराक में थे। और इन्होंने ये भी पूछताछ में बताया कि अगर उसको कोई रोकता तो हम उसको मार भी सकते थे। थैंक यू।